मुंडर। आई होप बीच में आपको बता दिया हो कि हम मुंडर पहुंच गए हैं। पहाड़ काफी ऊंचे ऊंचे है यहाँ पे भी एज यूजुअल। क्या होता है बताते ही हैं। नहीं कभी 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 होता है बैटरी ऊपर नीचे हो जाती है तो चार्ज में लगा के दिखाया है पूरा हुंडर। पूछो कैसा कैसा आप बताना कमेंट करके। तो आज व्लॉगिंग हो रही है मोटो व्लॉगिंग टाइप वो भी बुल्ट से। हम लोग जा रहे हैं हुंडर सैंड ड्यून जहाँ पे हम सवारी करेंगे डबल। हम कैमल की और एटीपी राइड अगर हो रही होगी तो एटीपी राइड करेंगे। और माहौल और मौसम दोनों काफ़ी अच्छे मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो तो मौसम साफ हो चुका है। सबसे खुशखबरी वाली बात ये है तो कल जब हम पैंगोंग के लिए निकलेंगे तो मौसम बस साफ रहे बस और कुछ नहीं मांगते हैं। इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से सीधा सैंड ड्यून्स पे। तो गाइस पहुंच गए हैं हम लोग नुब्रा वैली के सबसे फेमस जगह बोले तो सैंड ड्यून्स। तो माहौल ऐसा है कि बाइकें हमने लगा दी है पार्किंग में। इधर कुछ एक काउंटर है आई डोंट नो किस चीज का है। दूर से देख कैसा लग रहा है कुछ कैंटीन टाइप का है। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी रिवर बह रही थी जो आपको हम पास से दिखाएंगे। देखिए ये रिवर ये लैंडस्केप आप देख पा रहे हैं क्या सुंदर लैंडस्केप है। मतलब इट इज रियली ओपी क्या ही सुंदर। तो यहाँ पे कुछ सीन ऐसा है कि तीरंदाजी बोले तो आर्चरी टाइप का कुछ हो रहा है। लोग लगे हुए हैं लाइनें लगी हुई है भाई। लेकिन आपको पता होगा कि झारखंड के लोग तीरंदाजी में वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं तो इसीलिए हम दूसरों को मौका दे रहे हैं कि भाई कर लो। और अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे कैमल के पास। सांस ले लो दो हम पकड़ भी दे आराम से चल लो सांस लग रहा मर जाएगा भाई। हम देख रहे पीछे से हम खुद धीरे चल रहे देख रहे पीछे से हाँपते जा रहा है इसीलिए आया कि रुक जाओ भाई। कुछ बढ़िया दिख रहा था दिखाते जा रहे हो। देखो ना तुम लोग खाली ये लोग दो ठो चल रहा है ऐसे लग रहा है कहाँ जा रहे लोग। सामने का व्यू इतना सुंदर। देख सकते हैं दो हम्प वाले ऊंट की सवारी करते हुए लोग। यहाँ पे ऊंट का शोषण हो रहा है बहुत बुरी तरीके से। बेचारे ऊंट बोल नहीं पा रहे हैं। काफी अच्छा बोल रहा है। ऊंट के साथ शोषण हो रहा है बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है देख लीजिए देख सकते हैं आप। बच्चों के साथ गैर कानूनी काम किया जा रहा है देख रहे हैं भाई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मजा काफी आ रहा है आगे चले और ऐसी तरह मजा। तो गाइस जिससे इससे पहले कि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए समय आ गया है कि इन वादियों के बीच इस सैंड ड्यून्स के साथ और इन कैमल्स के डबल हम कैमल्स के साथ डबल हम कैमल ख़त्म करें इस व्लॉग को क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा। करेक्ट। और इस व्लॉग में आपने देखा नुब्रा वैली हम कितनी मुश्किलों से पहुंचे हैं। नुब्रा वैली तो आपने देखा लेकिन हम कितनी मुश्किलों से पहुंचे। बहुत ज़्यादा बारिश था फुल बारिश में गाड़ी चलाई है और हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि यहाँ पे बारिश नहीं होगा और हम लोग ये पूरा नज़ारा देख पाएंगे। बट बाय लक कहते हैं हम जैसे ही आए मौसम वैसे ही साफ हो गया। आप ये भोलेनाथ का चमत्कार बोलो। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। तो हमने ना लहरों से डरा और ना कोशिश करने से डरा एंड फाइनली ये सुंदर नज़ारे देखने को मिला हमें। तो नुब्रा वैली के सैंड ड्यून्स कुछ सिनेमैटिक शॉट्स और ये बर्फीले पहाड़ सुंदर सुंदर हमने आपको इस वीडियो में दिखाए। कल वाला वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सुंदर होने वाला है क्योंकि कल हम जा रहे हैं पैंगोंग लेक और उससे पहले हम आपको दिखाएंगे दिस्कित का स्टैच्यू जो कि वर्ल्ड फेमस है। वो आज हम नहीं दिखा पाए ड्यू टू रेन तो वो हम आपको कल दिखाएंगे। तो कल का वीडियो देखना ज़रूर और कल यानी कि अगर आप ये वीडियो थर्सडे को देख रहे हैं तो संडे को और संडे को देख रहे हो तो थर्सडे को आएगा। हमारा स्पीड यही है। तो ठीक है यार मिलते हैं हम लोग आराम से। लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना शेयर कर देना ना पसंद आए तो दो बार डिसलाइक कर देना और इसी के साथ चैनल पे भी कर देना और चैनल पे बने रहना बेल आइकन दबा लेना ताकि इस ट्रिप के बाकी वीडियोस आप तक एकदम फटाफट जल्दी जल्दी पहुंचते रहे। अभी तक देखने के लिए थैंक यू और मिलते हैं तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट टेक केयर स्वीट ड्रीम्स।